अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इंशाल्लाह बायोस्टैटिस्टिक क्रैश कोर्स की 5 जो कि एस्टिमेशन पे है उसके स्टडी करेंगे। सो जैसे आप सबको पता है, स्टैटिस्टिक्स बुनियादी तौर पे दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं और एक को इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में हमारे पास फिर फर्दर दो विजन्स हैं। एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो ट्राई करते हैं और फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और दूसरा है एस्टिमेशन जिसमें हम या तो पॉइंट एस्टिमेशन के जरिए या फिर इंटरवल एस्टिमेशन के जरिए प्रेडिक्शंस करते हैं और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एस्टिमेटर्स जो होती हैं स्टेटिस्टिक्स में, उसकी दो टाइप्स हैं। एक को पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करती है एस्टिमेट के लिए, जिसमें हम अपने पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं कि एक सैंपल से हमें एक सिंगल वैल्यू मिली और उसको पॉपुलेशन पे इन्फर कर दिया, इसको पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। जबकि इंटरवल एस्टिमेटर जो है ये हमें एक रेंज देती है जिसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, और ये रेंज जो इन दो लिमिट्स के दरमियान हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि जो वैल्यू हमारे पास सैंपल से आई है तो हम उसको इन्फर करते हैं पॉपुलेशन पे, और फिर उस वैल्यू को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस रेंज के अंदर अंदर फॉल करें। पॉइंट एस्टिमेटर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये एक सिंगल वैल्यू होती है, सो यहाँ पे भी मेंशन है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक कंप्यूटर फ्रॉम रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन अंडर स्टडी, कि जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी करना चाहते हैं तो उससे हम एक सैंपल उठाते हैं और उस सैंपल से हम इस स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करके एस्टिमेट करते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन पे, इसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। सो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन में जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पास इसकी जो मीन वैल्यू है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि हम म्यू और सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो यहाँ आपको नजर भी आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन। ये मीन की वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो सैंपल मीन जो है ये बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जो कि सैंपल टू सैंपल वेरी करती है। अगर हम एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल उठाएं तो हर सैंपल की अपनी अलग जो है वो सैंपल मीन की वैल्यू होगी। सो अगर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करे तो उसके पास एक रेंज ऑफ सैंपल मीन आएंगे, और जो है उसमें हर वो जो रेंज ऑफ सैंपल मीन आते हैं उसमें किसी पे भी अगर वो एस्टिमेट लगाता है पॉपुलेशन के ऊपर तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि वो उसी पॉपुलेशन से उसी सैंपल को सेलेक्ट करता है और फिर उस सैंपल मीन से जो है वो एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन। सो जो पॉइंट एस्टिमेटर है ये एक सिंबल नंबर होता है, और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू कितने हद तक ठीक हो सकती है पॉपुलेशन पैरामीटर पे जब हम उसको जनरलाइज करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो जो पॉइंट एस्टिमेट मेथड है ये इट फेल्स टू इंडिकेट हाउ क्लोज द एस्टिमेट इज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। अक्सर अवकात जो है ऐसे होता है कि हम जो सैंपल जो मीन उठाते हैं और उससे पॉइंट एस्टिमेट करते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर पे जो है वो बिल्कुल क्लोज फॉल नहीं करती, तब वो उसके करीब करीब नहीं होती। सो इसको हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट या फिर इंटरवल एस्टिमेट भी इसको हम कहते हैं, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमें फिर एक इंटरवल देता है और हम फिर कह सकते हैं कि जो हमने सैंपल मीन उठाया है और ये एक एस्टिमेट हमने आइडेंटिफाई किया है, तो जो सैंपल मीन है या जो हम इन्फर कर रहे हैं जिन रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पे सैंपल से निकले हुए रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं पॉपुलेशन पे, तो वो इन जो दो इंटरवल्स हैं हमारे पास इसमें कहीं पे फॉल कर रही होगी। सो इसको कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट, और इसी को भी कहते हैं कि
जो हमारे पास ये इंटरवल्स आ रहे होते हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्योंकि ये जो इंटरवल है, यहाँ से जो शुरू होता है और यहाँ तक होता है, ये बुनियादी तौर पे वो एक ऐसा इंटरवल है जो कि हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो हमने इन्फर की हुई है, वो इस रेंज के दरमियान फॉल कर रही होगी। सो बुनियादी तौर पे इसका एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होता है और एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होता है, और इन दोनों के बीच हमारा जो एस्टिमेट है वो फॉल करता है। सही है। सो जो लो कॉन्फिडेंस लिमिट है और जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है, इसके बीच जितना एरिया है, ये विड्थ जो, ये जो इसकी चौड़ाई है या विड्थ है, ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ जो है वो बताती है। सो जो इंटरवल एस्टिमेट है, ये बुनियादी तौर पे ये दो ऐसे इंटरवल्स हमें प्रोवाइड करती है, दो ऐसे नंबर्स हमें प्रोवाइड करती है जिनके दरमियान हम अपनी पैरामीटर को मालूम करने के लिए हमारे पास अश्योरिटी होती है कि हमारा पैरामीटर जो है पॉपुलेशन का वो इसमें फॉल करेगा। और जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है कि जो अननोन पैरामीटर है हमारे पास, ये इस लिमिट के या लेवल के अंदर अंदर जो है वो इसके चांसेस हैं, इसके अकरेंस के। यहाँ पे एक आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट उठाया गया है और इस एब्स्ट्रैक्ट में आप डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम रिजल्ट्स के सेक्शन पे आए, जो कि यहाँ से हमारे पास जो है वो यहाँ तक मेनली हम देख लेते हैं, तो इसमें जो अंडरलाइन रिजल्ट्स है हमारे पास जो आपको दिख रहे हैं, कि इसमें ऑड्स रेशो का बताया गया है और ऑड्स रेशो की जो वैल्यू है वो 1.75 है। और उन्होंने कहा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम जो हमारे पास इंटरवल है वो है 1.52 से लेकर 2.01 तक। तो अगर इस इंटरवल को हम देखें तो हमारे पास जो ये स्पेसिफिक वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर अंदर फॉल कर रही है। इस तरीके से जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पे, इसमें जो भी हम रिजल्ट्स निकालते हैं तो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम एक जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास अगर हम देखें तो इधर एक 95% का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है। इन तीन रिजल्ट्स के साथ भी देखें, इसमें भी देखें 95% है और इसमें भी देखें 95% है। तो इस पे हम आगे की स्लाइड्स में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास रिसर्चर में जब भी रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उसमें ऐड होती है, ताकि वो हमारे जो ऑडियंस है उनको समझने में आसानी दे सके। सो जो इंटरवल होता है वो बुनियादी तौर पे हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और इस रेंज ऑफ वैल्यूज में हमारे पास क्या क्या ऐसी खास चीजें हैं। इसकी खास बात ये है कि इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द वेरिएशन इन द सैंपल स्टेटिस्टिक फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल देखी, तो इसमें अगर सैंपल टू सैंपल या वेरिएबल टू वेरिएबल अगर कोई जो वेरिएशन है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको सॉल्व करता है, और उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबिलिटी बिटवीन द वेरिएबल्स या अमंग द वेरिएबल्स भी हो सकती है और अमंग द सैंपल भी हो सकती है। सो इसकी वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल उठाते हैं। लेकिन हमारे पास जो आपने देखा कि हर रिजल्ट्स के साथ उसका अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया, तो वो एक सैंपल से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हर सैंपल का अपना जो या वेरिएबल जो हम काउंट कर रहे हैं तो उसका अपना एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा जिसके अंदर अंदर हम अपनी वैल्यू को एक्सपेक्ट करेंगे। और ये हमें वैल्यू या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द क्लोजनेस टू अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि पॉपुलेशन पैरामीटर्स तो हमें मालूम नहीं होते, हम तो सैंपल के स्टेटिस्टिक्स के बेस पे बात करते हैं, तो ये हमें उन सैंपल स्टेटिस्टिक के बेस पे पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब फॉल होने के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज स्टेटेड इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इसको जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में स्टेट करते हैं। 100% कॉन्फिडेंस हम कभी भी नहीं होते, क्योंकि हमारे पास आइडियल सिचुएशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है। सो अक्सर जब हम एस्टिमेशन करते हैं, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा क्या, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वी आर नॉट 100% श्योर, बल्कि उसमें हम कुछ रूम छोड़ते हैं फॉर द चांस ऑफ एरर। सो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है कि पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन होता है, जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन
नॉर्म हो, व्हेन पॉपुलेशन मीन, व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉर्म, तो हमारे पास जो है वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसके लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस है, और उन अजम्पशंस में ये तीन स्टेट किए गए हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, पॉपुलेशन हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और हमारे पास जो है वो अगर वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता नहीं है तो हमारे पास सैंपल साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। सो इसीलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हमारे पास फार्मूला इस स्लाइड में भी आपको दिया गया है कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू इंटू एन, ये जो जी है वो बिल्कुल बुनियादी तौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की ये रिप्रेजेंट करती है। सो चूंकि ये प्लस माइनस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब जो जी की वैल्यू है ये मीन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे कॉल कर रही है। सो इस वजह से जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम इसको अल्फा बाई टू भी कंसिडर करते हैं। इसकी डिटेल हमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये स्लाइड जो आपको नजर आ रही है इसमें वही एम्पेरिकल रूल जो है बताया गया है, और इस एम्पेरिकल रूल में हमारे पास जो हमने बताया था कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास 68%, 95% और 99% वैल्यूज जो है वो फॉल करती है। इसीलिए अगर इस स्लाइड में हम देखें तो हमारे पास जो जी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही होगी, अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये शेडेड एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है ये बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको कवर कर लूं इस रेड रेक्टेंगल में तो आप देख सकेंगे कि ये वो एरिया है जिसपे हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो सैंपल स्टेटिस्टिक है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर फॉल कर रहा है, जबकि हमारा ये इस जी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू से जो बाहर का एरिया है ये वाला और ये वाला ये वो एरिया है जहां पे हम एरर हमारे पास आ सकता है कि ये वैल्यू हमारे कॉन्फिडेंस लिमिट के बाहर अगर फॉल करेगी तो ये इतना रूम इसके लिए अवेलेबल है। सो इसीलिए हम इसमें प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करते हैं, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है। सो जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं सो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 5% ले लें तो 0.05 ले लें तो आपके पास 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 0.95, और अल्फा की वैल्यू चूंकि हमने 0.05 ली है तो जब हम दोनों साइड्स को जो है काउंट करते हैं सो अल्फा को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, और जब 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ऑन ईच साइड हमारे पास 0.025 की वैल्यू फॉल करती है। इसीलिए हमारे पास जो जी का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम 95% ले लें तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड पे -1.96 आएगी और राइट साइड पे +1.96 आएगी। So, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देख सकते हैं जिसमें 1 से लेकर 0.00 से लेकर 3.00 तक की वैल्यू दी गई है। आप यहाँ से जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके अगेंस्ट आप जी टेबुलेटेड वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है अब इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एम्पेरिकल रूल के हिसाब से। हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस जी जो अल्फा बाई टू होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि इंटरवल जो यहाँ पे उसका फार्मूला जो पिछले वही रिपीट हुआ था कि एक्स बार प्लस माइनस टू इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एन है। अगर इसको हम और प्रिसाइसली स्टेट करें तो हमारे पास जो इंटरवल की वैल्यू है एक्स प्लस माइनस ये जो जी अल्फा बाई टू हमने कहा था तो जो क्रिटिकल वैल्यू हम यहाँ पे वो स्टेट कर रहे हैं तो 1.96 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एन keeping in mind that we are taking 95% confidence interval in a repeated sample. So, जो confidence interval होता है, इसका formula हमें बताता है कि एक sample data जो हम calculate करते हैं, वो उस interval के अंदर हम ऐसी estimate लगाएं कि population parameter या population mean को justify कर सके। इसी तरीके से जो हमारे पास confidence coefficient होता है, मतलब 1 minus alpha की जो value होती है, ये ऐसी probability हमें बताती है कि interval estimate जो है, that is close to population parameter। और जो थर्ड वाला कॉन्फिडेंस लेवल है तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है जब हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लें तो इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं।
सो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, x बार माइनस g अल्फा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। ये चूंकि हमने इसको अब उस जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला था उसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो माइनस का साइन है और यहाँ पे आप देखें तो प्लस का साइन है। पहले वो प्लस माइनस जी अल्फा डिवाइडेड बाय 2 था, अब ये अलग अलग साइन के साथ कर दिया है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो मीन की वैल्यू हमने इधर लिखी है तो मीन के राइट साइड पे, तो इसीलिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल हुआ है, और ये जो साइड है ये मीन का लेफ्ट साइड शो करता है, सो इसीलिए ये मीन से कम का एरिया जो है वो वाला रिप्रेजेंट करता है। सो इसकी कैलकुलेशन के स्टेप्स हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम सैंपल स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, और फिर इसमें हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को मालूम करते हैं ताकि हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को जो एस्टिमेट हम उस पर लगा रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सके। So, अगर हम जो इंटरवल एस्टीमेट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारे पास जो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसकी कुछ ना कुछ एस्टीमेशन हो, क्योंकि जो वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो हमें उसका अंदाजा हो कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड एरर भी रिक्वायर होता है, और स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला है वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एन, ये उसका फार्मूला है। लास्ट ईयर भी जो है पेपर में ये एमसीक्यू आया था और एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें कहा था कि स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करके बताएं, तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जनरली हमारे पास जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो एज एन एस्टिमेट यूज किया जाता है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर हमारे पास एक सैंपल साइज बड़ा हो तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस लिमिट है वो इतने रीजनेबल है, मतलब कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर पे जस्टिफाई हो सकते हैं। अगर हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सैंपल साइज 30 से कम है, तो हम फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, और ये भी अगेन इसमें हम सैंपल स्टेटिस्टिक को एज अ एस्टीमेट यूज करते हैं फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। सो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो हमें अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। अगर हम 100 ट्रायल्स किसी एक्सपेरिमेंट के करें, फॉर एग्जाम्पल चूंकि हम 100 ट्रायल्स कर रहे हैं तो आपको पता है के जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक की होती है। सो हम कॉन्फिडेंस लेवल को या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये एक ही चीज है, इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। और ये देखें कि आपको जो पैरेंथेसिस है से बाहर जो परसेंटेज का साइन है वो नजर आ रहा होगा। सो हमारे पास हम डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 90%, 95% और 99%। जो हमारे पास अल्फा है वो प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि द पैरामीटर इज नॉट विद इन द इंटरवल इन 100 ट्रायल्स। ये हमें वो अपने हमारे 100 ट्रायल्स के अंदर अंदर जो प्रोबेबिलिटीज होती है उससे बाहर की हमें प्रोबेबिलिटीज बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 बार ट्राई करें और हर एलिमेंट या हर हमारे जो इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी उन 100 ट्रायल के अंदर आ रही है, सो जो अल्फा की वैल्यू है ये हमें बताती है कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं कि ये इन 100 ट्रायल से बाहर फॉल कर रहे हैं, सो इसीलिए इसको हम 1 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब भी हम कॉन्फिडेंस लेवल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई आइडियल कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तमाम सिचुएशन के लिए ऐसा नहीं है कि वो हर जगह एप्लीकेबल हो सके, सो इसीलिए हम सिचुएशन टू सिचुएशन जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल सेलेक्ट करते हैं। अगर तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास ये सर्टेनिटी होती है कि जो इंटरवल एस्टीमेट हम लगा रहे हैं तो एक्चुअली वो जो इंटरवल एस्टीमेट है उसके अंदर वो मीन फॉल भी कर रहा है। लेकिन हमारे पास ये है कि अगर तो हम फिर इस कॉन्फिडेंस लेवल को कम करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें वो एस्टीमेट जो है वो फॉल तो कर रहा है लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल हमारे पास कम हो जाएगा। सो स्मॉलर कॉन्फिडेंस लेवल फॉर एग्जांपल 80% या 90% जो हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एस्टीमेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है
उसमें गलती का मार्जिन तो कम कर देती है, लेकिन इसमें ये चांस होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उन कॉन्फिडेंस इंटरवल से या जो हमारा एस्टिमेटेड एरिया होता है उससे बाहर फॉल करें। सो ट्रेडिशनली हमारे पास जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट नहीं किया गया होता तो वी टेक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल, सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल बाय डिफॉल्ट वी टेक इट एज अ 95%। सो हमारे पास कॉमनली यूज्ड जो वैल्यूज होती हैं जी अल्फा बाय टू की, तो उसमें कुछ आपको स्टेबल में दिखाई दी गई होंगी, और इसमें आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने कौन सी वैल्यूज को जो है वो याद करना है, ज्यादातर हमारे पास एग्जामिनेशन में ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल होती है इन कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। सो अगर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हम 90% लेते हैं तो जी अल्फा बाय टू जो है हमारे पास 1.645 होगा, अगर 95% लेते हैं तो 1.96 होगा, और अगर 99% लेते हैं तो 0.575 जो है इसका जी अल्फा बाय टू या जो कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू है वो आएगी। सो इसी तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जब सैंपल साइज रिपीटेडली हम वो एन उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में, सो हमारे पास वो शो कर रहा है कि उसके जो ट्रायल्स हैं वो कितना हम उसमें मेक श्योर हो रहे हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर में वो फॉल हो। सो वी वुड एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन मीन टू फॉल विद इन द इंटरवल ऑफ 95% व्हेन वी टेक इट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है तो वो उसी के अंदर अंदर फॉल करे, उससे बाहर फॉल ना करे, तो उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत लाजमी होती है, और हम आगे की एग्जाम्पल में इसकी इंटरप्रिटेशन स्टेट भी करेंगे। सो हम जो है वो हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास अगर हम अपर एंड लोअर लिमिट वो सेलेक्ट कर ले कॉन्फिडेंस इंटरवल में, सो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एक सैंपल हम बार बार रिपीटेडली उसको दे और हम इसमें इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करें, तो हर बार जितनी बार भी हम इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वी वुड एक्सपेक्ट दैट कि पॉपुलेशन मीन जो है वो उसी इंटरवल के अंदर अंदर फॉल करें। सो द वैल्यूज आर कॉल्ड लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। जो दो वैल्यूज होती हैं अपर एंड लोअर, इसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहते हैं, क्योंकि उन कॉन्फिडेंस लिमिट के अंदर अंदर हमारे पास वो वैल्यू फॉल कर रही होती है। अब ये एक एग्जाम्पल है, और इसको आप देख लें कि इफ वी विश टू एस्टिमेट द मीन वी ओ टू ऑफ टेक फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ जॉगर्स बेस ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 जॉगर्स, वी कुड यूज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। हम एक रैंडम सैंपल लिया गया है 30 जॉगर्स का, और उसमें जो है वो एक्स बार 47.5 ml पर केजी है, जबकि हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो 4.8 ml पर केजी है जो स्टैंडर्ड डिविएशन की है। सो हम जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल सेलेक्ट करते हैं तो अब आते हैं और मीन के दोनों साइड पे हम अपना जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। सो उनकी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, ठीक है, हमने पहले फार्मूला स्टेट किया, अब हमारे पास जो है फॉर्मूला के बाद हमने एक्स की वैल्यू इसके अंदर डाली, फिर जो है जी अल्फा बाय टू की वैल्यू डाली, फिर हमारे पास चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन या जो सिग्मा है उसकी वैल्यू आ गई, और इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने अपने सैंपल की स्क्वायर रूट को ले लिया, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। सो हमें पता है कि चूंकि एक्स बार की वैल्यू तो यही है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को जो हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास प्लस माइनस 1.718 आता है। सो 47.5 से एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यू आएगी, और ये हमारे पास वो कॉन्फिडेंस लिमिट शो करती है कि जो 45.75 है और 49.22 की जो वैल्यू है, सो इसमें जो 45.78 है ये लोअर लिमिट है, जबकि 49.22 जो है ये अपर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस
लिमिट है। सो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वी आर 95% कॉन्फिडेंस दैट इन द लॉन्ग रन द इंटरवल कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट विल कंटेन द पॉपुलेशन मीन, के जो हमने इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है इसके अंदर अंदर हमारा पॉपुलेशन मीन फॉल करेगा। सो अब हमारे पास बुनियादी तौर पे एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, नीचे की स्लाइड में जाते हैं और ये देखें कि इसमें जैसे लास्ट स्लाइड में हमने जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल सेलेक्ट किया था, अब इसमें उसी एग्जांपल में हम 99% जो है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम इसमें वो वैल्यूज पुट करते हैं और आपने जो टेबल देखा था कि उस पे हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम लेंगे तो उसका अल्फा वैल्यू 2.575 आएगा। सो इस अल्फा वैल्यू को जब हम पुट करते हैं अल्फा बाय 2 की वैल्यू को और हम इसको कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं कॉन्फिडेंस लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। जो लोअर लिमिट था लास्ट स्लाइड में वो 45.78 था, जबकि यहाँ पे जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा दिया तो ये लिमिट जो है वो श्रिंक हो गया। आप देखें कि वो हमारे पास 45 से शुरू होके 49 पे जाता था लोअर एन अपर लिमिट, और इसमें ये लिमिट श्रिंक हो गई है, ये शुरू होती है 46.26 से और खत्म होती है 48.75 पे। सो इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। और इसकी इंटरप्रिटेशन हम ऐसे करेंगे कि जब हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं सो वी आर 99% कॉन्फिडेंस, जब हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं तो वी आर 99% कॉन्फिडेंस कि हमने जो इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है तो उसके अंदर हमारा पॉपुलेशन मीन फॉल करेगा। सो जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि जो हमारे पास अपर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है इसके दरमियान जितना भी एक विड्थ होती है इसको हम विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, और ये हमारे पास एस्टिमेशन की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरवल के विड्थ को इफेक्ट करते हैं? आपको फार्मूला से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करती है। एक तो ये है कि डेटा में वेरिएशन जो हम बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए मेजर करते हैं, सिग्मा की वैल्यू के जरिए मेजर करते हैं, ये जो है आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ को इफेक्ट करती है और ये डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जबकि हमारे पास जो सैंपल साइज है तो ये बुनियादी तौर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली कॉन्फिडेंस इंटरवल के विड्थ को इफेक्ट करती है, जो कि जबकि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है जो 1-α है ये भी डेफिनेटली इसके विड्थ को इफेक्ट करती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 99% या 95% इस तरह की वैल्यू लेंगे तो इसका विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा, और आपने पिछले स्लाइड्स के एग्जाम्पल में इसको नोट किया था। So, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल इम्पोर्टेंट होती है? बिल्कुल, हमारे पास नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसकी वैल्यू तो बहुत अच्छी होती है, मतलब ये है कि इट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, इम्पोर्टेंट होती है, बट ये हमारे पास जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है इसमें हमारे पास जो एरर के लिए रूम होता है उसको कम कर देता है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर एरर होगा तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाएगा। So, इसीलिए हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एरर के जो चांस जो एरर के लिए जो स्पेस है वो कम हो जाता है। और इसको हम नैरो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाएं या अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर दें या फिर जो है हमारे पास जो वेरिएबिलिटी की सोर्सेज हैं, मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्जर्वेशन में आई है तो उसको हम कम कर दें तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो हमारे पास वो है विड्थ है उसको नैरो कर सकते हैं। सो इंटरवल एस्टीमेट्स के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होती हैं और इसमें यह है कि पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, हम अज्यूम करते हैं। दूसरा यह है कि सैंपल जो है वो रेंडमली सेलेक्ट हो पॉपुलेशन से, सैंपल साइज इतना सफिशिएंट हो कि हम कॉन्फिडेंस लिमिट को ड्रॉ कर सके, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो नाउन हो,
या फिर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो एज अ गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल हो सके, और इसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये एक आर्बिट्री प्रोसेस है। मतलब ये रिसर्चर या जो कैलकुलेशन और एनालिसिस करने वाला बंदा है उसकी विश पे भी डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट इंटरवल एस्टिमेट जो है ये प्रिसाइज नहीं होती, बट दीज आर द एस्टिमेट्स और अप्रोक्सीमेशंस। हमारे पास अगर हम देखें कि एम्पेरिकल रूल की जो हमने बात की थी कि अगर तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना उसकी वैल्यू को कम लेते हैं तो हमारे पास एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बुनियादी तौर पे नैरो होता जाता है। हमारे पास अगर हम देखें 99% में हमारे पास वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, जबकि इसमें एरर के चांसेस या एरर के लिए जो रूम होता है वो कम हो जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए ये लेक्चर था क्रैश कोर्स का। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।